शाम के बज रहे हैं 7। फिलहाल तो हम कुछ नहीं खेल रहे, फुल सेट। क्या बात है, भाई अभी सीन क्या हुआ है, ट्राइपॉड भाई के घर पे रह गए हैं, तो अभी ट्राइपॉड लेने के लिए जा रहे हैं। DSLR तो मिल गए, आज का पूरा प्लान था कि मैं DSLR में वीडियो शूट करने वाला था और उसके बाद काफी सारी फोटोज भी मैं निकालने वाला था। एक फोटो मैंने निकाल के अभी स्टोरी पे अपलोड की है, आप लोगों ने देखी भी और लाइक भी आ रहे हैं उस पे। तो अभी मैं मेरे दोस्त के पास जा रहा हूँ जो मेरे घर के पीछे आया, फोर व्हीलर में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि नासिक में बहुत भयानक बारिश हो रही है, लाइट भी गई हुई है, एरिया का ट्रांसफार्मर उड़ गया है। ये मेरे पास ATM स्वैप मशीन है तो कुछ काम है, मतलब मैं मॉर्निंग में इतना प्लानिंग से उठा था कि उठने के बाद मेरे को शेव करनी है, नहाना है, धोना है और उसके बाद अच्छे सारे कपड़े पहन के DSLR से फोटो शूट करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, हो सके तो बुलेट को लेके बाहर जाऊंगा, बुलेट में भी शूट करूंगा। लेकिन ऐसा सब क्यों पॉसिबल नहीं हो पाया, सबसे बड़ा रीजन तो बारिश, दूसरा रीजन बारिश तो बंद भी हो गई, मतलब कर भी सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि भैया लाइट भी चली गई, ट्रांसफॉर्मर ही फूका हुआ है, एरिया के लोग बाहर खड़े हैं, अभी फोन लगाया है, देखते हैं क्या होता है। उससे पहले रात हो जाए मैं अपना पेमेंट का काम करके आ जाता हूँ। एक और सबसे बड़ा रीजन ये है मेरा फोर व्हीलर को चलाने का कि जब मैं दिल्ली से आया था तब से लेकर अब तक गाड़ी में रन हुआ ही नहीं है और मेरे को मारुति से भी मैसेज आ चुके हैं, मतलब मैंने 20,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस भी नहीं कराई है, मारुति से मैसेज आया कि भाई थोड़ा सा रन कर लो नहीं तो गाड़ी को खड़े खड़े स्टार्ट कर लो जिससे बैटरी कम से कम बची रहे। तो मैं सोच रहा हूँ घर के पीछे जाना है और ATM स्वैप करा के वापिस आना है, तो मैं एक काम करता हूँ फोर व्हीलर में जाता हूँ, बारिश से भी बच जाएंगे भैया और जो है भैया गाड़ी का रन भी हो जाएगा, बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। प्रभु ये कैसा प्रकोप है, बारिश हो रही है ऐसे सीजन में जिस सीजन में बारिश होनी नहीं चाहिए। तो शिंदे और मेरा क्या प्लान हुआ है, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे, चूल्हा लेंगे और चूल्हे के साथ अपन सारे बर्तन लेंगे, मसाले लेंगे, सब लेंगे और हम एक जगह जाएंगे पिकनिक के लिए, मतलब वहीं पे बनाएंगे, वहीं पे खाएंगे और वहीं पे सो जाएंगे और शाम को वापस लौट के घर आएंगे, तब तब हमारी जो सीने की आग है ना वो शांत होगी, है ना शिंदे? यस सर। देखो सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, इसको मैंने पीछे बैठा के रखा है, मैं आगे बैठा हूँ और यहाँ से कहाँ जाना है जल्दी बता, मेरे को जल्दी घर जाना है। जल्दी से मुझे अगले महीने की पेमेंट कर दे। ये है कैमरा, ये एक्स्ट्रा लेंस जो बंदे ने परचेस किया है, बैटरी चार्जर, 2 एडिशनल बैटरीज, GoPro कैमरा में। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं चेक कर रहा था कि रिकॉर्डिंग कैसी हुई है, इसके मेमोरी कार्ड को निकाल के लैपटॉप में लेना पड़ेगा और लैपटॉप से फिर मेरे को, क्योंकि मेरे फाइल ट्रांसफर के काफ़ी सारे फंक्शंस रहते हैं, मतलब GoPro में तो मैं वाईफाई कनेक्ट करता हूँ और वाईफाई से सारी फाइल हो जाती हैं ट्रांसफ़र। तो इस कैमरे की जो है, वैसे तो काफ़ी सारे कैमरेज आते हैं जिसमें वीडियोस ट्रांसफ़र हो सकती हैं वाईफाई के थ्रू, लेकिन इसके अंदर हम फोटोज़ ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू, कोई बात नहीं, फ़ोटो के लिए ही बहुत बेस्ट कैमरा है फिलहाल, ये मुझे ऐसा लगता है, पर अभी पता चलेगा व्लॉगिंग के लिए देखो कोई भी कैमरा उठाओ यार, फ़ोन भी काम करता है, GoPro भी काम करता है, DSLRs भी काम करते हैं। देखो DSLR की एक फीलिंग होती है, अलग होती है, मतलब एक फीलिंग आती है कि भाई अपन प्रोफेशनल लाइन में घुस चुके हैं, तो उस तरह का ये कैमरा है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक दिन, दो दिन, आज मेरे ख्याल से तीसरा दिन है, परसों शाम को लिया था, कल पूरा दिन गया, आज तीसरा दिन है, मतलब धीरे धीरे मेरे को इसके फंक्शंस पता चल रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ में आती हैं और ये कितना यूज़फुल चीज़ है। देखो भैया एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, ज़िंदगी में कभी भी एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, हम लोग आर्नोल्ड को हमेशा बॉडी बिल्डिंग का भगवान क्यों बोलते हैं, भले वो आज बॉडी वाला आदमी नहीं है ना। आज अगर किसी भी जिम की ओपनिंग होती है तो हर आदमी, हर जिम ऑनर यही सोचता है कि उसके जिम में हर एक बंदे की फोटो हो, लेकिन एक छोटी सी फोटो आर्नोल्ड की भी हो तो आर्नोल्ड की फोटो क्यों हो, क्योंकि भैया उसको हम बॉडी बिल्डिंग का भगवान मानते हैं, हमेशा से मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, भले वो आज कोई बॉडी बिल्डर नहीं है,
आज उसने कुछ भी नहीं किया, भले उसने जिंदगी में सारे बुरे कर्म किए हो, कुछ भी किया हो भाई, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के हिस्ट्री में उसने अपना नाम कमाया और दुनिया को बताया कि ये भी एक किस्म का स्पोर्ट्स है। उसको देख के लाखों लोग बॉडी बिल्डिंग में गए। तो लाइफ में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, मेरे बोलने का मतलब ये है कि भैया तुम कुछ भी हो जाओ लाइफ में, उन बंदों की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो जो बंदे तुम्हारी फील्ड में तुमसे पहले आए हैं। सलाम। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? ऐसा हमारे साथ हो चुका है। जब हम लोग स्कूल में थे तो हम एक बंदे को गाली देते थे, तो वो भी बंदा हमको रिप्लाई में ऐसी गाली देता था। वो नहीं बोल पाता था अच्छे से, और वो हमारे दिल और दिमाग में बस चुका है लाइफ लॉन्ग। मतलब जिंदगी के हर मोड़ पर हम उसे याद करते हैं। और उसका नाम था फाले, क्योंकि वो साले को फाले बुलाता था। दैट्स व्हाई हम लोगों ने उसका नाम रखा फाले। मेरे दोस्त फाले, कहाँ है तू? अगर तू मेरी वीडियो देखेगा कभी भी जिंदगी में तो प्लीज रिप्लाई जरूर करना, हम तुझसे मिलना चाहते हैं। हाथ नहीं बे, गले मिलना चाहते हैं। तो इसी के साथ भाइयों, आज की वीडियो को मैं यहाँ नहीं रखूंगा, थोड़ी देर में रखूंगा, सोचूंगा कुछ और बातें मैं आप लोगों से कर सकूं। ये मेमोरी कार्ड बाहर आ गया। प्यार से भैया, हमारी चीज नहीं है भैया, आराम से। एक ट्राइपॉड को पकड़ना, उसके ऊपर DSLR को रखना और सामने ऐसे कर देना भाई, बहुत जान पे आता है। जान पे क्यों आता है? देखो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, बड़े बड़े मॉल्स में जाना अलाउ नहीं है DSLR को लेके। इस GoPro को लेके मैं कहीं भी घुस जाता हूँ भाई, मैं सिनेमा हॉल थिएटर के अंदर तक घुस चुका हूँ। कुछ लोग तो समझ भी नहीं पाते कि भैया चीज क्या है, लेकिन एक DSLR को हर बंदा जानता है कि भाई ये बड़ा कैमरा है, अच्छा खासा कैमरा है, बहुत पावरफुल कैमरा है। तो इस कैमरे को ज्यादातर अलाउ करते नहीं है। दूसरी चीज, पकड़ने में और संभालने में थोड़ा हैवी है, कहीं लग गया गिर गया तो गया काम से, हजारों का नुकसान है, लाखों का भी नुकसान है। एक GoPro क्या है, अच्छी खासी 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, 4K में भी वीडियो रिकॉर्ड होती है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ 1080p पे, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ईजी वे में, वाईफाई से ट्रांसफ़र होती है फाइल, जल्दी से जल्दी एडिट होती है और जल्दी से जल्दी आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच जाती है। पिछले 15 मिनट से मैं सिर्फ इसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहा हूँ कि मैंने जैसे लैपटॉप के अंदर फाइल ली DSLR की, तो भाई ऑडियो कहाँ गई? 15 मिनट से कभी ये कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर चेंज कर रहा हूँ, VLC में खोल रहा हूँ, फिर किसी और में खोल रहा हूँ, पता नहीं यार। और बाद में क्या हुआ, हेडफोन का वायर लगा हुआ है क्या यार इस कैमरे से? पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा EOS Rebel T6 और कैमरा लेंस है 1855mm। और अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते जल्दी आने वाले ब्लॉग में। राधे राधे, शब खैर, बाय बाय।